आपने रामायण तो देखी होगी और कुछ लोगों ने रावण के पैरों के नीचे एक नीले रंग के आदमी को भी दबा हुआ देखा होगा। हम आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि शनिदेव थे। जी हाँ दोस्तों, रावण एक वीर योद्धा होने के साथ ही एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था। रावण ने सभी देवताओं को हराया और सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। और जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को अपने अनुसार लगाया। रावण ने सोचा कि ऐसा करने से मेघनाथ अजय हो जाएगा, लेकिन तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं और कहते हैं कि शनि देव को अपने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है, उनका मुख भी पृथ्वी की तरफ है, वो आपकी शक्ति को तो देख ही नहीं पा रहेंगे। और तभी रावण शनि देव का मुख ऊपर की तरफ कर देता है और फिर मौका देखते ही शनि देव अपनी वक्र दृष्टि से रावण की बनाई हुई दशा को बिगाड़ देते हैं। और यही वो कारण है कि मेघनाथ पराक्रमी तो पैदा हुआ लेकिन उसकी उम्र कम थी।